राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव रेवाड़ी से बीजेपी उम्मीदवार सुनील यादव के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। आरती राव ने खबरें अभी तक से बातचीत में दावा किया कि रेवाड़ी सीट बीजेपी ही जीतेगी। आरती राव ने कहा कि उनको टिकट न मिलने का किसी तरह का कोई मलाल नहीं है। पूरा हाउस की राजनीति के वारिस आरती राव लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, रेवाड़ी में लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। खुद आरती राव जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप लगातार सुनील मुसेपुर के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का माहौल फिलहाल आपको लग रहा है? कुछ लगता है कि बीजेपी ये सीट निकाल ले किस बार? जी, मुझे लगता नहीं है, मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये सीट बीजेपी के ही हक में जाएगी और किसी और कोई नहीं है, क्योंकि जो अफवाहें उड़ रही हैं उनको बीजेपी हाईकमांड ने, आज नड्डा साहब ने सबको क्लियर कर दिया है कि एग्जैक्टली बात क्या है। हमारे पास सिर्फ एक उम्मीदवार है और वो है सुनील यादव भाई। बिल्कुल, जो बीजेपी के बागी थे, चाहे रेवाड़ी की बात हो या दूसरे हलकों की बात हो, उन सभी बागियों को बीजेपी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है। अगर रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी के विधायक को भी 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है, अब आप कैसे देखते हैं? जी, मुझे तो हमेशा ये यही लगता था कि अगर हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो हम पार्टी के लिए, हम निजी अपने अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, हम पार्टी के लिए करते हैं। तो जो निजी स्वार्थ के लिए जो काम कर रहे थे उनको खुदे लाइन लगा दिया गया। अगर देखा जाए दक्षिणी हरियाणा के सबसे बड़े बड़े नेता राव साहब है, लेकिन रेवाड़ी सीट की अगर बात करें, रेवाड़ी की सीट आप लोगों के लिए भी नाक का सवाल हो गई है, क्योंकि जितने भी विरोधी सारे के सारे राव साहब को ही टारगेट करते हैं। जी, इस वक्त ऐसा ही लग रहा है जैसे जिनको टिकट नहीं मिली वो एक्चुअली, आप देखें तो मुझे भी टिकट नहीं मिली, तो मैं तो कहीं गली गली जाकर शोर नहीं कर रही हूँ इस बात का। मैं यही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं उनको ही ज़्यादा, मेरे को लगता है ये जो बातें बना रहे हैं वो ही कर रहे हैं और कोई नहीं है। जो असली बीजेपी का कार्यकर्ता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। पिछली बार भी आपको टिकट नहीं मिली, इस बार भी नहीं मिली, आपको किसी बात का कोई गम तो नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और एक अंग्रेजी में कहावत है दैट वी ऑल लिव इन होप, सो एक ना एक दिन जरूर। नड्डा साहब आज आए, मुख्यमंत्री साहब आएंगे, उनके आने के बाद से कैसा माहौल रेवाड़ी में देखने को मिलेगा? जी भाई, सुनील यादव के लिए वो जरूर वोट मांगेंगे। मुझे लगता है कि पूरे रेवाड़ी का जो वोट है वो एक तरफा ही जाएगा। बिल्कुल, रेवाड़ी दक्षिणी हरियाणा की राजधानी है और आरती राव यही दावा कर रही है कि रेवाड़ी की सीट बीजेपी जीतेगी। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक रेवाड़ी।